많이 돼요. 네. 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 नहीं, हर चीज़ मुश्किल होती है हर इंसान के लिए जब तक वो लगे ना रहे। और मैं अक्सर लोगों से मिलता हूँ जो अद्भुत चीज़ें करते हैं, और आज इंडिया के अलग अलग कोने से कई लोग आए थे जो अपनी स्किल्स दिखाना चाहते थे। और कभी भी कोई स्किल दिखाना चाहता है, इट्स लाइक माय रिस्पॉन्सिबिलिटी। मुझे अच्छा लगता है उनको देखना, उनको उनके साथ बैठना उठना मुझे अच्छा लगता है। मतलब आप लगे रहिए, और अगर कुछ समय आप 10 मिनट भी दे दीजिए, 15 मिनट भी दीजिए, 1 घंटा दीजिए, 2 घंटा दीजिए, डिपेंड्स। जितना आप शक्कर डालेंगे उतना मीठी होगी। सो एक फोकस गोल होना चाहिए, और बस आप पीछे पड़ जाएं तो जो अचीव करना कर सकते हैं फिजिकली। तो नहीं, मैं बहुत एक्साइटेड हूँ स्टार गोल्ड पर। जब भी मेरी फिल्म आती है लोग बहुत पसंद करते हैं। इस बार क्रैक का वर्ल्ड टेलीविज़न प्रीमियर है, और मुझे लगा कि ऐसे लोगों के साथ बैठा जाए जिनको इस तरह का सिनेमा पसंद आता है, इस तरह के सिनेमा में काम करने का मन करता है। सो मैं यहाँ पे मुंबई मूवमेंट अकेडमी आया और इन सब के साथ बहुत मज़े किए। आने वाले दिनों में हम और कौन कौन से एक्टिविटीज़ देखेंगे विदु जी के साथ में, इस तरह से? नहीं, फिटनेस के आर्मी की ट्रेनिंग तो नहीं है, बट हाँ, मतलब एज अ ह्यूमन बींग हर आदमी को अपने शरीर की क्षमता पता होनी चाहिए।
मैं कई बार लोगों को बोलता हूँ, अगर आपका वज़न ज़्यादा है तो ज़रूरी नहीं है कि आप वज़न कम करने के चक्कर में लगे रहें। जो वज़न का इस्तेमाल होता है उसको भी किया जा सकता है। मैंने देखा है जो बहुत खुश लोग हैं, अक्सर उनका खाने का शौक़ होता है, उनको रुकना नहीं चाहिए, क्योंकि अगर रुक जाएंगे तो दिमाग नहीं चलेगा, दिमाग नहीं चलेगा तो मानसिक स्थिति खराब हो जाएगी। सो जो मन करता है वो करते रहिए और लिमिट में करिए। हमने ये मेरी पहली बड़ी फिल्म है एज एन प्रोड्यूसर, और मेरी जिम्मेदारी थी कि दुनिया के अलग अलग कोनों से उम्दा एथलीट्स और एक्शन डायरेक्टर्स लाए जाएं। सो हमने उन सबको एकत्रित किया और एक फिल्म बनाई। आई होप जिन्होंने नहीं देखी है वो स्टार गोल्ड पे देखेंगे और बहुत पसंद करेंगे। थैंक यू भाई। सर लुक क्या? ये जो सर है एक्टर, लेकिन इसके भी मूड स्विंग रहते हैं। बहुत। इसका ऑफिस 10th फ्लोर पे इधर। थैंक यू। कम। वी विल डू प्रिंट देयर।